मछुआरों ने समुद्र में जाल फेंका, मछली को बाहर निकाला, कहा कि नंगर में पिटो ढिंडोरा और मछली के भयो है छोरा। अरे वहां भीड़ बहुत जुड़ आई और सेनापत पहुंचे आई। जैसे ही सेनापति ने उस बच्चे को देखा तो देखिए सेनापति अपने मन में विचार कर रहा, और भैया कैसे बड़े बूढ़े कहे जब मुड़ी अन मुड़ मुड़ाया तब ही पर गए ओरे। आहा सजनो, सेनापति ने उस बच्चे को देखा तो देखिए होता क्या है। सुंदर रूप आज तक हमने कबहु न देखो है, ऐसो सुंदर। और कहा देखिए आप जैसे विद्वान कह रहे हैं और मुझे लग भी रहा है क्या, अरे बड़े घरों में छोटों का मानसिंह सरपंच साहब दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार हवलदार तोताराम जी दे रहे हैं, और 101 रुपए का पुरस्कार प्रताप जी यादव बनी से दे रहे हैं हमारे लिए, 101 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद, और 51 रुपए का पुरस्कार भगवान सिंह जी चिमनी से दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार पदम सिंह जी चिमनी से दे रहे हैं, और 51 रुपए का आशीर्वाद जगपाल हवलदार जी गांव से ही से दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार सोनू चाहर जी पड़ोला से दे रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और 51 रुपए का पुरस्कार हवलदार कन्हैया जी गुहावली से दे रहे हैं, और 51 रुपए का पुरस्कार पहला नेताजी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या, और 51 रुपए का पुरस्कार धर्मा जी बनी से दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और 51 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र डाकुर जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा हेरे बड़े घरों में छोटों का, और 101 रुपए का पुरस्कार राजन पंच जी दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा हेरे बड़े घरों में छोटों का कभी, बड़े घरों में छोटों का कभी आप न आदर होया करे, और 101 रुपए का पुरस्कार गोलू पंच पड़ोला से दे रहे हैं लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हेरे बड़े घरों में छोटों का कभी आप न आदर होया करे, और अरे विद्वानों में, और 51 रुपए का पुरस्कार नाम तो बता दे हरचरण पंच जी दे रहे हैं हमारे, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अरे विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे, विद्वानों में मूर्ख का भाई, और 101 रुपए का पुरस्कार मानसिंह सरपंच साहब दे रहे हैं इनके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा अरे हंसों के जोड़े में कागा हो, हंसों के जोड़े में कागा बिना बिरादर हुआ करे भैया। 51 रुपए का पुरस्कार
भूकंप सिंह भगत जी चिमनी से दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा क्या, अरे हंसों के जोड़े में कागा और कोई बिना बिरादरी हुआ करे, और अरे उतने पाम उतने पैर उतने पाम फैलाने चाहिए जितनी चादर हुआ करे, उतने पैर फैलाने चाहिए। सेनापति अपने मन में विचार कर रहा है, भैया जी कहा कि सेनापति ने देखा छोरा और मन में करे परे खो है, अरे ऐसा सुंदर रूप आज तक हमने कबहू ना देखो है, सो खेल विधाता तेरा, अरे खेल विधाता तेरा समझ न कोई पायो, और बात छोरा है घर को आयो, और 51 रुपए का पुरस्कार महावीर सिंह जी डागुर साहब दे रहे हैं हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आहा सजनों, आज सेनापति पुत्र प्रद्युम्न को अपने पास में लेकर के आता है, और देखिए आज सेनापति कर क्या रहा है भैया मोनू, कहा क्या, अरे ख्याल करे अपने भी नहीं मिल
अरे हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, क्यों हो बुरा वक्त, हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। ओ, 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 क्या ओ ये 1000 रुपए का पुरस्कार परशुराम जी नगला मोती से दे रहे हैं, लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अरे हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं। ओ, 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 ओ। और 1000 रुपए का आशीर्वाद बड़े भैया पंडित रोहतास जी दे रहे हैं, लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो बुरा वक्त तो अपने भी नहीं मिलते हैं, क्यों सूखे पेड़ों, क्या सूखे पेड़ों, ए सूखे पेड़ों पे परिंदे भी नहीं। और बात पूरे जीवन की सच्चाई हमारी और तुम्हारी तो खाती क्या है कि हम सोचते हैं हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे। देखिए इस जीवन की औकात क्या है, इस इंसान की औकात क्या है भैया। जितने कम दाम में क्या औकात है इस इंसान की, जितने कम दाम में बिक जाते हैं सस्ते, क्या औकात है अरे उतने सस्ते, उतने सस्ते तो खिलौने भी नहीं मिलते हैं। अरे छोटा सा गाना